साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले एबी डिविलियर्स अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। डिविलियर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की। मिस्टर 360 डिग्री नाम से मशहूर एडीबी ने कहा कि उनके अंदर क्रिकेट को लेकर पहले जैसी ऊर्जा नहीं रह गई है और इसी कारण उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला लिया है। डिविलियर्स ने ट्वीट कर लिखा है कि यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है, लेकिन मैंने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है। मैंने अपने बैकयार्ड में बड़े भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब से ही मैंने पूरे आनंद और बेलगाम उत्साह के साथ इस खेल को खेला। अब 37 की उम्र में वह लोग अब उतनी तेजी से नहीं जलती। डिविलियर्स ने टाइटन्स, साउथ अफ्रीका, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और विश्व की अन्य सभी टीमों को मौका देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, क्रिकेट मेरे प्रति काफ़ी दयालु रहा। मैं अपने हर साथी खिलाड़ी, हर विपक्षी, हर कोच, हर फिजियो और स्टाफ मेंबर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर जहाँ भी मैंने खेला है, वहाँ मिले प्यार को लेकर मैं अभिभूत हूँ। भावुक हुए कोहली। डिविलियर्स के संन्यास के बाद आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया है। कोहली ने भावुक शब्दों में लिखा है, हमारे इस दौर के बेस्ट खिलाड़ी और आप सबसे अधिक प्रेरणादायी व्यक्ति हो। मैं आज तक जिससे भी मिला हूँ, आपको उन सब चीज़ों पर गर्व होना चाहिए जो भी आपने आज तक किया है।